शेव माई फेस फॉर द फर्स्ट टाइम और इन्फेक्शन हो गए हैं बहुत, ये सब हो गया। उनका मेकअप बहुत फ्लॉलेस दिखता है और भगवान में करे मेरा ऐसा कुछ ना हो। मेरी को ना बहुत फट रही है, मैं पता नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि मेरे फेस पे ज्यादा बाल हैं। अपडेट कर दूंगी इफ यू वॉन्ट हार्ड थिक हेयर ना आए। ओ माई गॉड आई कट माई नोज, तो गर्मी कितनी है कि आईज कितनी जल्दी पिघल रही है। हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज अंशिका, इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब डाउन बिलो। यस, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो एंड आई एम जस्ट नॉट श्योर अबाउट दिस वीडियो, आई एम जस्ट सो स्केर्ड। सो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग अपना फेस शेव करते हैं इस तरीके के रेजर से, ऐसा कुछ रेजर होता है। तो आई एम शेविंग माई फेस फॉर द वेरी 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 फर्स्ट टाइम। मुझे नहीं पता, मैं बहुत ऐसी हूँ कि मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोज़ देखे, मैं कल से लिटरली कल शाम से मैं YouTube वीडियोज़ ही देख रही हूँ कि मैं करूँ नहीं करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियंस है। एक का है कि मतलब बीच, मतलब वो जो ऐसे छोटे छोटे बाल होते हैं उनके पूरे फेस पे, वो करने के बाद उनका मेकअप बहुत फ्लॉलेस दिखता है और ऐसा मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट होता है बहुत लोगों के, और बहुत लोगों के डाउनग्रेड हो जाते हैं कि मतलब बहुत इन्फेक्शन्स हो गए हैं बहुत, ये सब हो गया। भगवान करे मेरा ऐसा कुछ ना हो, बट आई एम जस्ट गोना ट्राई। सो आई स्क्रब्ड माय फेस विद पिगमेंट बायो, बायोडर्मा का है एक, आई जस्ट अटैच द क्लिप। तो मैंने उससे क्लेंजर है वैसे वो, बट वो स्क्रब वाले उसमें वो पार्टिकल्स है, तो मैंने उससे फेस क्लेंज किया था अपना सुबह। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने बस फेस वॉश किया है, नॉर्मल फेस वॉश किया है, इसका डॉट एंड की का ग्रीन वाला जो होता है वो। एंड आई एम गोना अप्लाई पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर, बिकॉज इसे बोलते हैं कि एलोवेरा जेल शीट मास्क या फिर जेल मॉइस्चराइजर्स लगाने चाहिए, तो मैं वही करने वाली हूँ। मेरी को ना बहुत फट रही है, मैं दिखा नहीं रही हूँ, पर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बहुत थिक लेयर लगानी है मॉइस्चराइजर की फेस पे, और ऐसे बोल रहा हूँ तो मेरे को पता नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि मेरे फेस पे ज़्यादा बाल हैं, बट अगर हैं तो निकल जाएंगे। उधर मिरर रखा हुआ है मैंने, इसलिए मैं उधर देख रही हूँ। तो ये जो पिंपल्स के मार्क्स है वो सिर्फ मार्क्स है, वो एक्चुअल पिंपल्स नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा सारा पिंपल आने वाला है मेरे को, बट वैसे पिंपल्स है नहीं, सिर्फ मार्क्स है। तो जिसको पिंपल हो वो उस टाइम पे ना करे तो बेटर रहता है। प्लस मैं इसको सैनिटाइजर से क्लीन कर चुकी हूँ, और आई हैव सम टिश्यूज ऑल्सो विथ मी जो जो निकाल के मैं रखूँगी। मेरी बहुत फट रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओके लेट्स जस्ट स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, मेरे को देखा ना तो मेरे यहाँ पे भी ऐसे ज़्यादा बार मेरे को दिखते नहीं है ऐसा सच, बट अपर लिप्स तो हैं मेरे बहुत, बट हाँ लेट्स जस्ट स्टार्ट। Anyway, see that? But मैं आपको क्लोज कर देती हूँ, सो बहुत तुम क्लोज अप में आके देखो ये तो आई थिंक यू नो। डर बहुत लग रहा है, ऐसे बोलते हैं कि ऐसे ऐसे पकड़ना चाहिए, तो have hair on my face. ये अलग ही पैच पे अलग ही गोरी लग रही है इधर। देख रहे हो इतने बाल है मेरे फेस में, मुझे पता ही नहीं था। मैं बहुत लाइटली कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा है कि मैं मेरा फेस ही कट ना कर लूँ। इतने मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ही ज्यादा है कुछ मेरे फेस पे, इतना भी कुछ नहीं है। मेरी पूरी नसें दिख रही है इतने नहीं है जैसे मैंने लोगों के देखे हैं ना, इतने ज्यादा तो नहीं दिख रहे मेरे को। आई डोंट नो अगर मैं नोज के लिए सही भी कर रही हूँ या नहीं, आई एम सो स्केयर्ड टू डू इट। मैं कट ना कर लूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी शार्प। बाल कटते तो वो जब शेव करते तो ऐसी आवाज़ नहीं, ऐसी आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को आ रही होगी या नहीं। मैं लोअर मतलब
इधर नीचे चिन पे मैं चिन वैक्स करवाती हूँ वैसे भी। कभी भी अपने अपर लिप्स के बाल ऐसे नहीं हटाए। अब टी जोन की बारी है, तो मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे बाल आते हैं एकदम। मेरे बेबी हेयर कुछ ज़्यादा ही हैं, तो मेरे को उनका भी कुछ करना पड़ेगा। मेरे को बहुत डर लग रहा है कि मैं मेरे आईब्रो पे ना मार दूँ। ओह माय गॉड, दिख रहा है ये? बहुत डर लग रहा है मेरे आईब्रो के। मैं नहीं कर रही हूँ ज्यादा आईब्रो के पास, बट मैं एक लास्ट बार। वो फेस पे फील हो रहा है थोड़ा सा टिकल टिकल, आई डोंट नो व्हाई, बट या वेट एक भी मैं देख लेती हूँ। मैं ओ माई गॉड, आई कट माई नोज फ्रॉम हियर। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट इधर ना थोड़ा सा ब्लड क्लॉट हो गया है। आई थिंक आई डिड समथिंग। आई डोंट वॉन्ट टू शो यू माई टिश्यू पेपर, बिकॉज इतना नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना लोगों के दिखे थे ना मेरे को। बट दिस इज वॉट माई सिचुएशन इज, इतना नहीं है सीरियसली। मैंने लोगों के बहुत बुरा बुरा देखा है, बट या सो मैं फटाफट बाहर जाके आइस लेकर आ गई हूँ, बिकॉज आइस लगानी चाहिए एकदम। देख रहे हो गर्मी कितनी है कि आइस कितनी जल्दी पिघल रही है। मैं कुछ भी अभी क्लॉथ यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ अपने फेस पर, क्योंकि अभी अभी शेव किया है, तो मेरे को कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना है अपने फेस पर। मैंने आइस इसलिए यूज़ की क्योंकि जो अगर कट वट हुआ हो, जो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे हुआ है थोड़ा सा, अगर हुआ हो तो वो हील हो जाए, बिकॉज़ मेरे को स्विमिंग भी जाना होता है। मैं रोज़ स्विमिंग जाती हूँ और उधर का क्लोरीन वाला पानी कुछ रिएक्ट ही ना कर जाए। या आई विल जस्ट यूज़ अ टोनर ऑन माई फेस। सो दिस इज़ लॉट्स का सेंटेला वाटर पोर टाइटनिंग टोनर। मैं एक बार टोनर, टोनर लगा लेती हूँ। एकदम ऐसे रेड रेड लग रहा है मेरा फेस मेरे को। अभी तो मुझे बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है, बट आगे पता नहीं। मैं एक अपडेट कर दूंगी इफ़ यू वॉन्ट कि कैसा मेरे को फेशियल हेयर का ग्रोथ हो रहा है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ या नहीं हुआ। मैं उसका ग्रोथ मतलब उसका एक वीडियो अलग से आगे कोई वीडियो में बता दूंगी, पर आई होप कि मेरे जो वापस बाल आएंगे वो हार्ड थिक हेयर ना आए। और वैसे बोलते हैं लोग कि वो मिथ होता है, बट आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई शेव्ड माई फेस फॉर द फर्स्ट टाइम और मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत रेडनेस हो गई है ये वाले एरिया पे। आई हैव नो आइडिया। और ये पिम्पल्स जैसे ऐसे थोड़े थोड़े दाने जैसे लग रहे हैं। भगवान प्लीज़ मेरे को कोई रिएक्शन ना हो। और हाँ, इसके बाद लोग बहुत सारे टोनर्स मतलब टोनर्स बोल रही हूँ, सीरम्स यूज़ करने लगते हैं। मैं सैल्सिलिक एसिड यूज़ करती हूँ वैसे तो, बट आई रियली डोंट वॉन्ट टू डू दैट राइट नाउ, क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट टाइम किया है तो मेरे को नहीं पता है कि मेरा फेस कैसे रिएक्ट करने वाला है। बट हाँ, एंड नाउ आई एम गोना यूज़ माई मॉइस्चराइजर। मैं जर्नल बेसिस पे भी यही मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। मैं बहुत ऐसे मेकअप में जा रही हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरा बेस और अच्छा हो जाएगा, बिकॉज पीच फज की वजह से ही वो मेकअप अच्छा नहीं होता है जनरली, मतलब वो बेस सेट नहीं होता है। बट या मैं नॉर्मली भी रोज आइस करती हूँ वैसे अपने फेस पर। सो या एंड नाउ आई एम गोना शो यू हाउ टू
स्टोर द रेजर बिकॉज आप एक बार यूज़ करने के बाद फेक तो नहीं दोगे ऑब्वियसली उसको. तो आई यूज़ दिस माइसेलर वाटर. नो आई एम गोना टेक थोड़ा सा माइसेलर वाटर ऑन द कॉटन पैड और फिर मैं उसको क्लीन कर दूंगी ताकि उसमें जंग वंग ना लगे बिकॉज जनरली जंग लग जाती है और अगर थोड़े बहुत बाल जो रह गए हो वो निकल जाए. सो दिस इज हाउ इट इज़ लुकिंग नाउ. ऐसे लिया और इसके साथ जो कैप आई थी वही वापस मैं इसमें डाल देती हूँ. आई एम गोना स्टोर दिस नाउ. अब मैं जब भी आगे करूँगी तो मैं वैसे ही करूँगी. आई होप मेरी स्किन सही रहे. बट या दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू वॉन्ट अपडेट ऑन हाउ इट वेंट आई एम गोना ऑब्वियसली शेयर माई थाट्स 4 weeks बाद या फिर 2-3 weeks बाद कर दूंगी कि मेरे को कुछ रिएक्शन तो नहीं हुआ या जो भी है. बट या दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू एंजॉयड इट प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर एंड लेट मी नो व्हाट यू वांट टू सी मोर.